जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ERDAT MTS क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद करी की जा रही हो तो आप हमारे चैनल को दम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका IPC, जिसको बोलते हैं इंडियन पैनल कोड, और एक CRPC जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, जिसमें क्या दंड की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है और इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत अपराध के क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अपराध के अंतर्गत, कैसे कैसे अपराध हो सकता है, तो इंडियन पैनल कोड के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसको भारतीय दंड विधान बोलते हैं और उसको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम जब बात करते हैं इंडियन पैनल कोड के अंदर, तो इसके लिए 1860 ईस्वी में जो है दंड विधान को मॉडिफाई करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें क्या किया गया, कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया, शामिल किया गया। इसमें भारतीय दंड विधान को समझाया गया, भारतीय दंड विधान को समझाया गया 1860, ये बात है 1860 के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जिसके अंदर में इन चीज़ों को क्या मॉडिफाई किया गया कि कैसे जो है समाज के अंदर जो है अपराध बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे मेंटेन करते हैं, कोई अगर जो क्राइम करता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, इसकी स्थिति को परखने के लिए जो सबसे पहले क्या किया गया, ये बात है 1 जनवरी 1862 ईस्वी को एक कानून लागू किया गया जिसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। ये आप इसी के अंतर्गत सार्जेंट स्टीफन के अनुसार, एक सार्जेंट कुछ परिभाषाएं दी गई अपराध की, परिभाषाएं क्या होती है, एक सार्जेंट स्टीफन थे, ये इन्होंने ये बताया कि समाज में जो घटनाएं निषिद्ध होती हैं या प्रतिषेधित होती हैं उन्हीं घटनाओं को समाज के अंदर बढ़ना और उसको कैसे कंट्रोल करना होता है, जब अपराध बढ़ेगा तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इन्होंने क्या बताया, ये सार्ज स्टीफन का कहना था। और आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो समाज के अंदर सिविल सेवक होते हैं या सिविल सोसाइटी होती है, वो अपराध को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं या अपराध को इंक्रीज करते हैं। केनिंग के अनुसार एक अनुशासित व्यक्ति द्वारा क्षम नहीं है, केवल सम्राट के द्वारा। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई जो होता है कोई गलत काम करता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है, और सजा का प्रावधान किस लिए है कि कोई व्यक्ति समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाता है, ये समाज के अंदर चीज़ों को क्या करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है तो उसके गेनिंग के अंदर ब्लैक स्टोन के अनुसार निषिद्ध और आदेशित दिन के अंदर लोप हो जाता है, अपराध क्या होता है उसके अंदर लोप हो जाता है, जो अपराध की प्रावधान मतलब अपराध को संरक्षण देना या उसको बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहली चीज़ अपराध के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, पहले मानव और मानव के साथ साथ उसके मस्तिष्क में दुराशय, इसको मैंसेरिया बोलते हैं, तो जब हम इस क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम उसको एक वर्ड कहते हैं मैंसेरिया, कि मन के अंदर उसकी स्थिति क्या है, अगर हमने सोचा और हमने सोचा कि हमको ये करना है या कोई कोई चोर हो गया, उसने क्या दिमाग में सोचा कि हमको क्या चोरी करना है, उसके सोचने से वो चीज़ अपराध नहीं हो जाती जब तक वो एक्शन उस चीज़ को नहीं करता है, यही स्थिति क्या कहलाती है, मैंसेरिया कहलाती है। आपराधिक कृत्य, कृत्य होने के लिए जब तक कृत्य नहीं करेगा तब तक क्या उसको सजा नहीं मिलेगी, जब तक वो काम नहीं करेगा, क्यों हम कोई चोर है वो घर में बैठे बैठे सोच रहा है तो उसकी वजह से नहीं, जब वो क्राइम करेगा तभी उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और ऐसे अपराध कृत्य में दूसरे मानव और समाज क्या होता है, संपूर्ण क्षति होती है, तो इतनी चीज़ों के लिए आवश्यक होती है कि मानव का अपुष्ट होना, फिर मैंसेरिया मतलब दिमाग के अंदर क्या स्थिति चल रही है उसको, फिर आपराधिक कृत्य होना जरूरी। चौथा पॉइंट यह रहता है कि ऐसे आपराधिक कृत्य किसी दूसरे मानव संपूर्ण समाज की क्या होती, क्षति होती है या उसका नुकसान होता है, पूरे समाज के क्या विनिष्ट हो जाता है। और भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 के अंतर्गत लागू किया गया, तो ये इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर ये था। तो अब इस बात करते हैं कि इसके अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं, तो भारतीय दंड संहिता के अंदर टोटल मिलाकर के आप 23 चैप्टर्स होते हैं, 511 धाराएं हैं इसके अंदर इंडियन पिनल कोड के अंदर, और 23 आपके क्या है चैप्टर है, तो उसके अंदर सारी चीज़ों का वन बाई वन क्या वर्णन किया गया है, किस चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व की गई है। जैसे हम किसी भी उसके बात करते हैं कि आपको क्या होता है कि धारा 147
वो आपका सेक्शन नंबर क्या होता है 6, उसके अंदर एक क्या बताते हैं, विधि विरुद्ध जमा, 4 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और धारा 159 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे करते आप सारी चीज़ों को पढ़ोगे और सारी चीज़ों को समझोगे दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी का इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत बात करेंगे, जो आने वाले आपके सब इंस्पेक्टर यूपी एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार ईआर डॉट अमदेस क्लासेस पर बनाए रखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।